doing a music part for Vijay Deep. Oh, it's been amazing, and especially working with Rishabh is always very much fun. And as I always say that, you know, if it's a Rishabh Srivastava song, it has to be foolproof, beautiful, and the audio has to sound really amazing and magical. So आप मेरी आवाज जब जब इनके गाने में सुनेंगे वो आपको ऐसा लगेगा कि अलग ही है कुछ, और मुझे भी बहुत मजा आता है. And especially Dear Diya में गाना बहुत मेरे लिए अच्छी बात, मेरे करियर के लिए भी बहुत बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे और भी सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस जो हैं इसके पार्ट है इस एल्बम के. एंड ऑल द सॉन्ग्स आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एंड बहुत अच्छे से प्रमोशंस भी हो रहे हैं, एंड आप सबको मिलने का मौका मिल रहा है. आज इतनी अच्छी हमारी स्क्रीनिंग यहाँ पे रखी गई है, सो यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स रियली एड अप, एंड बहुत मजा आता है ऐसे काम करके. सर ऋषभ ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मुझे बोला कि ज्योतिका एक गाना है आपको गाना है, एंड ऋषभ केम टू माय हाउस, तो मेरे पास घर पे एक तब लॉकडाउन से हम लोग उभर चुके थे, वो जब टाइम था जब मैं डबिंग कर रहा था फॉर दिस सॉन्ग कॉल्ड दीदार है. राइट, सो इन्होंने एक स्क्रैच रेडी किया हुआ था और मेरे घर पे एक छोटा सा होम सेटअप था, तो उन्होंने बोला कि चलो आपकी आवाज़ हमको ट्राई करना है, एंड हम लोग एक स्क्रैच रिकॉर्ड करते डेमो. मैंने बोला हाँ आप आ जाओ, सो ही केम राइट अवे, एंड जैसे ही मैंने गाना सुना उसकी थीम सुनी, तो ये सुनते ही मतलब थोड़ी देर तक तो सब सिर्फ यही गूंज रहा था मेरे मन में, तो इतना कैची इन्होंने ये थीम भी बनाया है, तो मेरी तरफ से तो ऐसा था कि ओ माय गॉड आई हैव टू सिंग दिस सॉन्ग, तो इसको अच्छा सा करते हैं, अच्छे से अच्छा इसको रिकॉर्ड करते हैं. और इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने 2-3 सेशंस किए हैं, आप मानेंगे नहीं, मतलब एक उस वक्त जो घर पे किया था वो दैट आल्सो केम आउट रियली नाइस, बट वी आर ऑलवेज लुकिंग कि कहीं पे कुछ इंप्रोवाइज कर दें, देन आई कॉल्ड हर अगेन एंड शी वाज सो नाइस एंड स्वीट कि यार मतलब पहले इसने परफेक्ट वो गाया हुआ था, बट शी केम बैक. फिर एक बार और मैंने आपको बुलाया था कि नहीं वी कैन डू द अंतरा इन अनदर वे, तो ऐसे इस गाने में हमने आई थिंक दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम, क्योंकि इसमें मैंने अपने मन का पूरा किया कि यू नो टेलर के अलावा गानों को भी बड़ा संगीत को गानों को बड़ा सराहा जा रहा है डियर डियर. डू यू थिंक हाउ टू बैटल इज वन व्हेन समबडी इज ऑफिशियली म्यूजिकल कंपोजर? एब्सोल्युटली, बिकॉज म्यूजिक जो होता है फिल्म का काफ़ी यू नो एक अहम हिस्सा होता है जो सारी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और हर सिचुएशन के लिए यू नो एक गाना अगर होता है और बहुत एप्ट गाना होता है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल. तो मुझे लगता है कि अगर इतना ज़्यादा गाने को सराहा जा रहा है, हमारे सारी एल्बम को इतना प्यार मिल रहा है, तो इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर अस फॉर आर्टिस्ट्स. ओह श्योर, इसका अंतरा मुझे बहुत सुंदर लगता है तो मैं अंतरा गा देती हूँ. देख रही हूँ मैं आईना तो वो नजर आ रहा है, उसके ही ख्वाबों के धागों में मन ये उलझ सा रहा है, मुझको हरारत सी होने लगी है, कोई तो बात है, बादल नहीं है कहीं भी फलक पे, फिर कैसी बरसात है. सबसे पहले मेकर से जानना चाहूंगा, फिल्म रिलीज की कगार पे है, द रिस्पांस इज रियली गुड, बस अच्छा है फिल्म के राउंड, क्या कहना चाहेंगे और आज फिल्म का स्पेशल स्क्रीनिंग? हाँ मैं बहुत खुश हूँ दिया, एक वैसे तो हमने एक बहुत सुपरहिट सब्जेक्ट ही उठाया था और उसको हर तरीके से हमने निखारा है. आशा करता हूँ प्रीमियर देखने के बाद आप लोगों को और जनता को फिल्म जरूर पसंद आएगी. बहुत सी ट्रायंगल लव स्टोरी हमने देखी है और जी आए दिन आती है, क्या खास होगा इसमें? जब मैं ट्रायंगल लव स्टोरी की बात करता हूँ तो यह आभास होता है कि लव स्टोरी के साथ साथ उसने सस्पेंस का तड़का लगाया है. जी हमने बचपन से लव स्टोरीज बहुत सारी देखी है, हमें एक आदत होती है एज एन ऑडियंस की जब हम कोई मूवी देखते हैं तो जैसे जैसे स्टोरी की एक जर्नी होती है, कैरेक्टर की जर्नी होती है, ऑडियंस की एक आदत होती है कि वो प्रेडिक्ट करता है कि अब क्या होगा, वो बैठ नहीं पाता, वो आस पड़ोस वालों को बोलने लगता है कि हाँ भाई आस पास वालों का अब ये होने वाला है वो होने वाला है. लेकिन हमारी फिल्म एक ऐसी फिल्म है जहाँ आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि अगले सीन में होना क्या है, और यही सस्पेंस यही थ्रिल मूवी के एंड तक बना रहेगा, और जब आप मूवी देख के बाहर निकलोगे तब आप स्तब्ध हो चुके होगे, यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड यू विल बी अमेज्ड. ये मेरा मानना है. सी आई वुड से आई वुड एड ऑन टू सर्स थिंग कि
स्क्रीन पे इतना टाइट लिखा हमारे डायरेक्टर ने ना कि ऑडियंस उठ नहीं पाएगी, उनको पता नहीं चल पाएगा कि लाइक व्हाट्स गोना हैपन इन नेक्स्ट सीन. सो आई वुड से कि एंड प्लस देयर इज नो विलेन, देयर इज नो फाइट, देयर इज नो एक्शन, ओनली प्योर लव. सो आई वुड से कि इंसान को तो सिर्फ प्यार चाहिए और इस मूवी में सिर्फ प्यार ही प्यार है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. उज्जवल जी, आपके कैरेक्टर की बात की जाए तो आपका कैरेक्टर कितना रिलेटेबल लग रहा है आपके रियल लाइफ? माय कैरेक्टर इज वेरी कॉन्ट्रास्ट, लाइक इट्स ऑपोजिट ऑफ मी, बिकॉज़ माय कैरेक्टर इट्स वेरी यू नो बहुत कम बोलता है, बहुत ही इज वेरी शाई, ही कांट इंटरेक्ट विद पीपल एंड उसको कुछ बात कहने के लिए बहुत टाइम लगता है, ही वुड टेक हिज टाइम. सो in real life I am very different, like very you know blunt and up for anything, but my character in that movie it's very shy and that thing. जब हम लव स्टोरीज की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है संगीत का होना जी, अच्छे संगीत का होना, अच्छे सिंगर्स का होना जी, ये कितना ध्यान रखा है? मैं कहना चाहूंगा कि पुरानी जो दिया हमने देखी थी उसमें बिल्कुल भी कोई म्यूजिक नहीं था, उसमें बिल्कुल सॉन्ग्स नहीं थे. वो डायरेक्टर का अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट था जो कि उन्होंने पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाई थी, जबकि हमने ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए मूवी बनाई है तो हमने इसमें म्यूजिक का तड़का लगाया है. हमारे मूवीज के अंदर 5 बेहतरीन सॉन्ग्स हैं जिन्हें जुबैर नौटियाल, शंकर महादेवन जी, पलक मुच्छल और ज्योतिका टंगरी जी ने गाया है. सो डेफिनेटली वी हैव अ वेरी गुड म्यूजिक इन द मूवी एंड ऑल्सो जो BGM है वो खुश हो जाएगा, खुश हो जाएंगे आप जब आप BGM इसका सुनोगे पूरी बार. आपके सवाल आप दोनों से, फिल्म रिलीज होने वाली है, आप स्क्रीनिंग हो रही है, आप देखने वाले हैं, नर्वस हैं, एक्साइटेड? जी मैं एक्साइटेड हूँ. आई एम एक्साइटेड, ऑफ कोर्स इट्स आवर बिग डे, सो वी आर एक्साइटेड. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. आप लोगों को मूवी कैसी लगती है? वी आर वेटिंग फॉर दैट, लेट्स सी. योर रिएक्शन टू मूवी सॉ द ट्रेलर? Both of the trailer, when I saw the poster for the first time and I saw my friend on the poster, I was like especially taken aback because सबसे पहले मेरे लिए था कि किसी के लिए एक डेब्यू करना जो कि इतनी मेहनत से जैसे तैसे जो अपना बॉम्बे आकर मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक आई कुड रिलेट टू हिज फीलिंग कि वो पोस्टर पर क्या महसूस कर रहा होगा इस वक्त उज्ज्वल जब मैंने देखा. सेकेंडली ट्रेलर मैंने देखा, परफॉर्मेंस मुझे ट्रेलर देखकर तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं पूरी फिल्म देख सकूँ, सो आई कुड एनालाइज हिज परफॉर्मेंस. हम दोनों साथ में मिक्स मार्शल आर्ट्स वगैरह सब करते थे उस टाइम पे, काफ़ी आइडियोलॉजीज हमने डिस्कस की अबाउट एक्टिंग, अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. और यहाँ आने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये कि मेरे भाई का आज वहाँ पर पोस्टर मैंने लिंकिंग रोड पर बहुत बड़ा देखा और वो मैं ड्राइव कर रहा था और मेरे लिए ऐसा लगा जैसे मैं ही हूँ उस पोस्टर पर. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई हैव कम एंड आई विश द एंटायर टीम इन द स्टार कास्ट इन द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एवरीवन, बिकॉज आई नो व्हाट इट फील्स लाइक टू हैव अ डेब्यू मूवी कमिंग अप लाइक दैट ऑन सच अ बिग स्केल. और मैं ऑल द बेस्ट देना चाहूंगा उज्ज्वल को. थैंक यू सो मच. मे दिस ओपन लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू. एग्जैक्टली. मैं इनके टैलेंट को और ऐसे और एक्टर्स के टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली यहाँ आया हूँ.